जंगल में आंगनवाड़ी बनाने का ग्रामीणों ने किया विरोध। डीएम से प्रधान की शिकायत। यूपी के रामपुर में दर्जन भर किसान और ग्रामीण आज जिलाधिकारी अंजनेय कुमार सिंह से मिले और प्रधान की शिकायत करते हुए कहा कि गांव का प्रधान जबरन गांव के बाहर जंगल में आंगनवाड़ी केंद्र बना रहा है जिसमें बच्चों और आंगनवाड़ी सुरक्षित नहीं होंगे। प्रधान कई बार घोटालों विकास कार्यों में घोटाले भी कर चुका है, यही नहीं हत्या के मामले में जेल भी जा चुका है। डीएम ने ग्रामीणों की बात सुनकर कार्यवाही का आश्वासन ग्रामीणों को दिया है। डीएम साहब से इस बारे में लेते हैं कि पहले तो इसका वो प्रस्ताव नहीं, वो कह रहे हैं मैं 9 मेंबर का प्रस्ताव करा रखा मैंने, गांव वालों को पता नहीं प्रस्ताव का इसका हुआ कि नहीं हुआ। फिर 9 मेंबर तो है नहीं उसके पास, 5 मेंबर हैं, 1 मेंबर खत्म हो गया उसमें का। जब हम स्वार गए तो एडीओ साहब बोले, बीडीओ साहब बोले, साहब इसकी कोई सुनवाई नहीं, आप नखलो जाइए। प्रधान से कहा, प्रधान बोला यहाँ ही बनेगी, उस जगह नहीं बनेगी। फिर हमने कहा गांव के बराबर में ग्राम है, उसमें बनवाइए आप, उसमें नहीं बनाओगे तो बोले नहीं साहब ये बनी यहाँ ही बनेगी। जाय से साहब यहाँ तो है, आप जंगल देख रहे हो कितना जंगल है, गांव से कितनी दूरी है, यहाँ पे एक गांव के बिल्कुल बराबर में आबादी में है ग्राम। हम कह रहे हैं पूरे गाँव की मशवरा ये है कि यहाँ बन जा, मैं अपनी ये प्रधान अपनी हरकत नहीं मानने बिल्कुल भी, नहीं यहाँ ही बनेगी। तो ये इतना तो खतरा होगा क्योंकि जो आंगनवाड़ी यहाँ पर रहेंगे महफूज रहेंगे क्या? नहीं नहीं, महफूज का मतलब ही नहीं होता, यहाँ पुराने कुत्ते होते हैं, गुंडागर्दी बन रही है, यहाँ सारा कुछ होता है। यहाँ आपके नजरों के सामने खुद है, क्या देख रहे हैं आप, कहते पीछे तालाब है इसके, सारा कुछ यहाँ बहुत बुरी स्थिति यहाँ की। तो हम ये कह रहे थे छोटे छोटे मासूम बच्चे आते हैं हमारे, लेडीज भी आएंगे हमारी, कोई इंसान में कोई हादसा हो सकता है उनके, हम सोच रहे गाँव के आबादी में। डीएम साहब से मिले आपने? डीएम साहब ने ऑर्डर कर दिए हैं सीडू साहब के लिए, वो सारे एडीएम साहब के लिए जांच के लिए इसकी।